राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने जोर लगा रखा। दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, वीके सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी राजस्थान में चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री इन चुनावों में ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बेटे भी चुनाव मैदान में हैं। ये दोनों ही पूर्व सीएम अपने अपने बेटे को चुनाव जिताने में पूरा जोर लगा रहे हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के लिए लगातार छिंदवाड़ा में कैंप किए हुए हैं। राज्य के झालावाड़ लोकसभा सीट से दुष्यंत सिंह मैदान में हैं। दुष्यंत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे हैं। अपने बेटे को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए राजे ने अपना पूरा ध्यान झालावाड़ लोकसभा सीट पर लगाया हुआ है। हालांकि वे पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, लेकिन अन्य सीटों पर उनकी उपस्थिति न के बराबर नजर आ रही है। राजस्थान भाजपा की तरफ से भी राज्य के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम जारी नहीं किया जा रहा, जबकि अन्य नेताओं के कार्यक्रम पार्टी की ओर से जारी किया जा रहा। स्टार प्रचारक होने के बावजूद अभी तक राज्य पर कोई कार्यक्रम झालावाड़ से बाहर का नहीं बना। वे लगातार अपने बेटे के लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग गाँव का दौरा करके दुष्यंत सिंह के लिए समर्थन मांग रही है। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस बार जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। वैभव ने 2019 का लोकसभा चुनाव जोधपुर सीट से लड़ा था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत से वे 2 लाख से ज्यादा मतों से हार गए। इस बार भी शेखावत जोधपुर से मैदान में है, लेकिन वैभव ने अपनी सीट बदल ली। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में माली समाज के वोटर्स की संख्या ज्यादा है। जातिगत समीकरण को देखते हुए इसीलिए वैभव गहलोत को जालोर से चुनाव मैदान में उतारा गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत लगातार जालोर में ही व्यस्त है। हाल ही में वैभव गहलोत के समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चुनावी सभा की थी। वैभव गहलोत का प्रचार उनकी पत्नी और बेटी भी कर रही हैं। हाल ही में वे माली समाज के कार्यक्रम में शामिल हुई। वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत ने कहा कि जालोर में माली समाज के मतदाता ज्यादा है। अगर वैभव गहलोत चुनाव हार गए तो जोधपुर और जयपुर के लोग यही कहेंगे कि माली समाज ने अपने बेटे को ही चुनाव नहीं जिताया। समाज के लोगों में मार्मिक अपील करते हुए हिमांशी गहलोत ने अपने पति को चुनाव जिताने की अपील की है।